विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने मॉक टेस्ट की लिंक ओपन कर दी है। मींस इस टेस्ट के द्वारा हम एक डेमो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टेस्ट कंडक्ट होगा, किस तरह का हमारा जीयूआई होगा और किस तरह से हम इस टेस्ट में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे जिसकी हेल्प से आसानी से एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं, आसानी से एग्ज़ाम को हम दे सकते हैं। तो इसके लिए ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इस लिंक पे मैंने क्लिक किया, ये एक आपको पॉपअप विंडो में खोलेगा, एक नया पेज आपका ओपन होगा। तो इसके लिए आपका पॉपअप इनेबल होना ज़रूरी है। क्लिक हियर टू गेट लॉगिन क्रेडेंशियल्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर आ गया, रोल नंबर जितनी बार आप क्लिक करेंगे रोल नंबर चेंज होगा। पासवर्ड 1234 ये हर बार सेम है। पिन 1111 ये भी सेम रहेगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, मैंने कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कॉपी किया 1794। स्टार्ट एग्ज़ाम पे मैंने क्लिक किया। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह का एक नया पॉपअप खुला है, इसमें मैंने डाला, मतलब ये अभी उसी पेज पे है, इसके बाद आपको पॉपअप खुलने वाला है। ये मैंने 111 डाला, ये लॉगिन किया। ठीक है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको लॉगिन करके नहीं देखना पड़ेगा। मेरे पास मेरे चैनल्स में आप सारे ऑप्शंस पे देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमको किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, किस तरह से एग्ज़ाम को हमको पार्टिसिपेट करना है, वो सारी चीज़ें। इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, इसमें यहाँ पर आपकी फ़ोटो दिखाई देगी, आपका नाम, रोल नंबर, और यहाँ पे आप प्लस माइनस के थ्रू साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। रिज्यूम एग्ज़ाम करेंगे हम, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। जैसे हम एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह की इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 दिखाई दे रहे हैं और क्वेश्चन 1 to 10 दिए हुए हैं। ये मैं पार्ट 2 पे गया, पार्ट 3 पे, पार्ट 4 पे, पार्ट 5 पे। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन प्लेट है, इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। हम इसमें को भी ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। जैसे इसमें 50 क्वेश्चंस है, इसमें 10 क्वेश्चंस है, इसमें 20 क्वेश्चंस है, इसमें अगेन पार्ट 3 में 20 क्वेश्चंस है, पार्ट 4 में 50 क्वेश्चंस है। तो हम इसे देखें तो 50, 50, 100 एंड देन 150 क्वेश्चंस हो रहे हैं टोटल, है ना, 150 क्वेश्चंस हो रहे हैं सभी मिला के। तो कुछ में जैसे हम PGT TGT की बात करते हैं तो इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अराउंड 180 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस वो होंगे एंड देन जो भी है। तो अभी तो हम इसकी बात करते हैं, बाकी गाइडलाइन हम एक बार और रिव्यू कर लेंगे। पार्ट वन में हम देखें ये क्वेश्चन, यदि मैं देखना चाह रहा हूं, तो यहां पे मुझे तो रीडेबल नहीं है कि क्या है, क्या कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूं। ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, थर्ड क्वेश्चन मुझे समझ में आया, है ना। तो अब इसमें मैं कोई एक रेंडम आंसर मान लेता हूँ कि कोई भी एक आंसर लगा देता हूँ। अब इसका 1 2 3 4 का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, तो मैं इसमें जैसे कौन सा लगाऊँ, सेकंड नंबर का ऑप्शन लगा देता हूँ मैं, मतलब 401 के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन प्लेट है ना, उसमें क्या होगा, फ्लेक से क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। नेक्स्ट किया मैंने, क्वेश्चन 3 ग्रीन हो गया, बाकी रेड है, रेड का मतलब नॉट अटेम्प्टेड है, ग्रीन का मतलब अटेम्प्ट कर चुके हैं, और येलो का मतलब जो डार्क येलो है गोल्डन कलर में, वो नॉट विजिटेड बता रहा है। ठीक है, अब हम इस पर फ्लेग लगा सकते हैं। हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया और उसमें हमने फ्लेग बटन भी दबा दिया, है ना, क्वेश्चन के साथ हमने ऑप्शन लगाया और फ्लेग बटन दबा दिया और नेक्स्ट कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है 4 पर। हमें फ्लेग से ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को हमें देखना है, रिव्यू करना है या क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है। क्वेश्चन का आंसर जब चेंज करना होगा तो बहुत ईजी है, क्लियर रिस्पांस करें उस क्वेश्चन पे जाके, हम इस प्लेट के थ्रू भी उस क्वेश्चन पे क्लिक करके जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये जो गोल्डन कलर्स दिखाई दे रहे हैं येलो डार्क में, इसमें इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अभी आप पहुँचे ही नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीन का रिव्यू करें बहुत अच्छे से। अब हम यदि किसी पे रेड पे भी यदि हम लगा देंगे फ्लेग तो वो भी लग जाएगा। देखिए मैंने अब रेड क्वेश्चन नंबर 5 पे रेड पे फ्लेग लगा के नेक्स्ट कर दिया, है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो भी मुझे आंसर लगा, या नहीं अटेम्प्ट किया तो भी, अटेम्प्ट किया तो ग्रीन आ जाएगा और बिना अटेम्प्ट करे आपने उस पर फ्लेग बटन दबाया तो उस पर रेड के ऊपर फ्लेग लग जाएगा। मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया पर आप इसका आंसर देना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, तो जब आप लास्ट में देखेंगे तो आप देख पाएंगे, समझ में आएगा आपको कि कौन सा
अब मैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसमें पार्ट वन पहला करना है या पार्ट टू करना है, मैं पार्ट वन का एक क्वेश्चन कर लिया, दो क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद मैं पार्ट टू पे चला गया, फिर पार्ट फाइव पे चला गया, मैंने सबके एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, ये देखिए है ना। इस तरीके से मैं अलग अलग क्वेश्चन के जो पार्टीशन से दिए हुए हैं 1 2 3 4 उन पे जाके कर सकता हूँ, और मैं इसमें से किसी भी क्वेश्चन पे मुझे जाना होगा तो मुझे प्रीवियस और नेक्स्ट नहीं करना होगा। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन प्लेट दिए हुए हैं जहाँ पे हमको ग्रीन रेड और गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है उन पर क्लिक करके मैं डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर जा सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको आपका टाइम बच जाएगा है ना। जब एग्ज़ाम में आप रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे या किस तरह से क्या ऑप्शंस होंगे, वो ऑप्शंस अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। इसमें ऊपर डेट टाइम आपको दिखाई दे रहा है, परसेंट दिखाई दे रहा, मैंने लास्ट ऑप्शन पे क्लिक किया था वहाँ से ये खुला है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, अटैम्प्ट कितने किए, नॉट अटैम्प्ट किया। तो ये लास्ट में आपके लिए बहुत काम का रहेगा कि यदि कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी फ्लैग लगा हुआ है तो वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए लास्ट में बहुत काम की होगी है ना। ये मैं बैक करके वापस जाता हूँ, ये मैंने खोला था एग्ज़ाम स्टेटस, सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो एग्ज़ाम स्टेटस से खोला था। इसके बाद यहाँ पे परसेंट दिखा रहा है, 3% मैंने अभी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है 5 मिनट में है ना, आप लोगों को दिखा रहा था। और ये इसके बाद एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि इस परीक्षा में दिए गए सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होंगे, प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा में किसी भी शक्य विसंगति की स्थिति में आपको अंग्रेजी भाषा मान्य होगी, परीक्षण में स्क्रीन में दाईं ओर आपको टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने का दिया हुआ है ठीक है, और जूम इन जूम आउट जिसको बोलते हैं हम, इसमें परीक्षा में 150 प्रश्न हैं, 120 मिनट का टाइम है, प्रत्येक के लिए एक अंक है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा ऐसा लिखा है, पर मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखने देखने को मिला है। तो ये एक डेमो है, इसलिए इससे सिर्फ हमें समझना है कि पेपर हमें अटेम्प्ट किस तरह से करना है ना, क्योंकि जब एक्चुअल रूल्स रेगुलेशंस आएंगे वो डिफरेंट होंगे ठीक है, उस तरह से हमें समझना होगा। तो ये प्लस माइनस भी करके मैंने आपको दिखाया है, जूम इन जूम आउट कर जिसको हम बोल रहे हैं, जूम इन जूम आउट भी करके देखा कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम होगा। तो ये हम आपको अब लॉगिन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको लॉगिन करके सारी जो चीज़ें थी वो दिखा दी हैं। तो इससे आपका बहुत सारा जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम क्या है। हाँ, अब यदि इन्होंने डेमो यदि लिंक ओपन कर दिए मीन्स एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन रखें, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे हैं वो ध्यान रखें कि एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट आ चुकी है। थैंक यू सो मच।